एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल रिलेशन जो है ना वो एक एंजॉयमेंट है। फिजिकल रिलेशन हमें प्लेजर देता है, हमें एक अलग मुकाम पे पहुंचाता है। भगवान ने इसीलिए इस चीज़ को हमें बख्शा है ताकि हम दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से अपने आप को शांत करके रख सके, अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को बढ़ा सके, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके और अपने प्लेजर के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ा सके। पर अगर इसी चीज़ में आप गलतियां करते हो जो बहुत ही सीरियस लेवल पे होती है तो यही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग को ख़राब करता है और साथ ही साथ ये प्लेजर तो दूर की बात है, आपको भयानक दर्द दे सकता है। इससे आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि फिजिकल रिलेशन के दौरान पहले और बाद में किन चीज़ों को आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत लोग जान के भी अवॉइड करते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो द ग्रेट फिजिकल रिलेशन को ग्रेट मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पहले क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए फिजिकल रिलेशन से पहले। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो गर्मी का टाइम है ना, बहुत ही चिपचिपा पसीने से भरा होता है, हो सकता है आपके बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ही स्मेल हो। बहुत लोग बाहर से आते हैं, नॉर्मली हाथ पैर धो लेते हैं और बेड पे चढ़ जाते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा सा शावर ले लो, चाहे आप भले ही 10 मिनट पहले ना लो, 1 घंटे पहले लो, पर बाहर आने के बाद शावर ले लो। बहुत लोग नहीं लेते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, नहीं लेते हैं। शावर लेना बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न, बहुत सारे कपल्स ओरल परफॉर्म करते हैं, यानी कि मुंह से फीमेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को प्लेजर देते हैं। एंड इन दैट केस आपकी बॉडी की जो बैक्टीरियस होते हैं ना वो उनके मुंह में जा सकता है और मतलब कि उनके लिए बहुत गलत हो सकता है, ये बहुत गंदा हो सकता है, ये उनको इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह मुँह इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये नहीं करना है। खास तौर से प्राइवेट पार्ट में बहुत ही गंदे बैक्टीरियस होते हैं, अगर वो क्लीन आउट ना हो तो इससे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो शावर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इनकेस शावर नहीं ले पाते हो तो एटलीस्ट अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक नॉर्मल जो इंटीमेट वॉश आता है उससे आप वॉश कर लो या पानी से वॉश कर लो और उसके बाद ये फिजिकल रिलेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एटलीस्ट आप और कुछ ना भी सही अपने हाइजीन का ध्यान रख पाते हो, क्लीन अप रह पाते हो, फ्रेश रह पाते हो और ये एक अच्छे फिजिकल रिलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि फीमेल पार्टनर फिर ना ओरल को अवॉइड नहीं करती या मेल पार्टनर भी ओरल अवॉइड नहीं करता क्योंकि फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट से भी हमेशा ल्यूब निकलता रहता है या फिर डिस्चार्ज निकलता रहता है तो वो भी हल्का स्मेली हो सकता है। तो मस्ट कि आप क्लीन अप कर लो। दूसरा, फिजिकल रिलेशन से पहले यूरिन पास कर लो, चाहे वो फीमेल पार्टनर हो चाहे वो मेल पार्टनर हो, क्योंकि अगर ब्लडर भरा होगा ना तो उस केस में हो सकता है कि फीमेल पार्टनर खासतौर से ऑर्गेजम को या प्लेजर को अचीव ना कर पाए, वो फील ना कर पाए, क्योंकि अगर जब ब्लडर पर प्रेशर पड़ेगा ना आपके दिमाग में वही चीज़ें आ जाएगी कि आपको यूरिन आई है और कैसे भी आपको ये ख़त्म करना है और फिर बाथरूम करनी है। तो इसीलिए दोस्तों पहले ही कर लो तो इससे एटलीस्ट आपका जो भी है एक्टिविटी है वो जॉयफुल रहती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए जरूरी होता है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपके बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। इसके लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्नमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मुसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मुसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी डिविलो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और
ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। दबाए स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये तो मैंने बोल दिया कि पहले क्या करना है, अब बताती हूँ कि बाद में क्या बिल्कुल नहीं करनी है। खासतौर से कपल्स फिजिकल रिलेशन के बाद ही पानी बिल्कुल ना पिए। पता है क्यों? ये साइंस ये कहता है कि जब आप फिजिकल रिलेशन करते हो ना तो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो बहुत तेजी से होता है, बहुत ही तेजी से, और आपकी बॉडी गर्म होती है, उसमें गर्माहट होती है। तो उस दौरान अगर आप पानी पी लेते हो ना तो आपको, मैं ये बता रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्टली, कुछ भी कहो, आपको हो सकता है कि ईडी की शिकायत हो। और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आपकी हार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा पानी पी लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है तो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर लो, 10-5 मिनट का वक्त दे दो, बॉडी थोड़ी सी शांत हो जाएगी, तो उसके बाद पानी पीने से आपको नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ आप पानी ना पिए, तुरंत पानी ना पिए। दूसरा, मर्द लोग यूरिन बिल्कुल ना पास करें। अगर आपको यूरिन आ भी रही है, आप पहले यूरिन करना भूल चुके हो, तब भी आपको तुरंत यूरिन नहीं करनी है। रीज़न, क्योंकि आपका जो साइज़ है ना, आपका जो प्राइवेट पार्ट है, इसी के अंदर यूरिन निकलने का रास्ता और सीमन निकलने का रास्ता ऐसे होता है, ठीक है? तो इसीलिए जब आप फिजिकल रिलेशन के लिए प्रिपेयर होते हो ना तो यूरिन निकलने का रास्ता टाइटली बंद होता है, और जब आप यूरिन पास करते हो तो सीमन निकलने का रास्ता टाइटली बंद होता है। जब आप फिजिकल रिलेशन करते हो तो सीमन निकलने का रास्ता खुला हुआ है और यूरिन निकलने का रास्ता बंद, और इसको खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, नेचुरल फंक्शनिंग है ना, तो थोड़ा वक्त लगता है। पर जब आप तुरंत ही यूरिन के लिए निकलते हो तो क्या होता है, आपने ज़बरदस्ती इसको खोल दिया, बाद में जाके आपको ये शिकायत हो सकती है कि आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन के दौरान ही आपका यूरिन निकल आए बार बार, ये सही नहीं है। बहुत लोग इसको जानते नहीं है और कर देते, इवन बहुत लोग जान के भी अनजान बनते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करो, आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो यूरिन पास नहीं करनी है, पानी नहीं पीनी है, और फीमेल्स को यूरिन करनी चाहिए। अगर आपने पहले भी यूरिन किया है थोड़ा बहुत, तो बाद में भी आपको अगर हो सके तो आप यूरिन थोड़ा सा ही हो कर लो। वजह, आपकी जो यूरेथ्रा कैनल होती है ना वो आपके इंटरनल कैनल के बहुत ही कपास होता है, तो इसीलिए जब आप अनप्रोटेक्टिव करते हो सकता है कि कुछ बैक्टीरियस यूरेथ्रा कैनल थ्रू ब्लड तक पहुँच जाए। तो जब आप यूरिन थोड़ा सा ही यूरिन पास कर देते हो तो वो बैक्टीरिया फ्लैश आउट हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और तुरंत जब आप वॉश कर लेते हो तो उस दौरान आपका जितना भी बचा कुचा बैक्टीरियास है, जो भी है, वो पनप नहीं पाता और वहीं पे मर जाता है। तो बोथ फीमेल और मेल दोनों ही फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वॉश कर ले, पहले भी करें बाद में भी करें। ये कुछ चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हो ना तो दोस्तों, तो आपको फिजिकल रिलेशन को लेके कभी भी शिकायत नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे मेल पार्टनर को दाने निकल आते हैं, रैश की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, प्यूबिक पे दाने निकल आते हैं, लिंग पे पस जैसे दाने निकल आते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप फिजिकल रिलेशन के बाद वॉश नहीं करते हो, ऐसे ही सो जाते हो, और इससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। फीमेल पार्टनर भी बहुत बार ये करती है, जिससे उनको बुरी तरीके से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइनल स्मेलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इचिनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ इन छोटे छोटे आदत अगर वो नहीं लगते हैं अपने अंदर। तो ये चीज़ें सुधारो और हेल्दी फिजिकल रिलेशन को इंजॉय करो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल में हर रोज़ आता है। थैंक यू।